हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है वापस से इस चैनल पे। और कुछ लोग जो है कमेंट कर रहा है कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है चैनल पे वापस। तो आज उसका कारण बता रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरा जो फॉर्म था और वहाँ पे अभी बारिश का, जैसे कि आप लोग को पता है सीजन है, तो बारिश में पालन तो अच्छा से होता नहीं है। तो मेरा सेकेंड बिजनेस जो है, जो मेरा थोड़ा सा फॉर्म के थोड़ा सा दूर हट के सेकेंड बिजनेस ओपन किए हैं, और ये पानी वाला बिजनेस है। और आपको दिखाते हैं पूरा अंदर कैसा है प्लांट। ये है नीलम जल, यहाँ पे मम्मी के नाम से खोले हैं। तो ये जार वाला है, और वो मेरा गाड़ी रखा हुआ है टोटो, जिसपे माल जाता है। और ये है पानी का पाउच बनता है इस पर। और पाउच दिखता कैसा है वो हम दिखा देते हैं। ये है पाउच, ये इस तरह का 350 ml का पाउच बनता है। ये वाला मशीन है पाउच मेकिंग, मतलब पानी का पाउच बनता है उसका। ये आरओ प्लांट है, और इसी का पूरा सेटअप के वजह से जो है थोड़ा लेट हो रहा था वीडियो का। एक्चुअली 3-4 महीना लग गया लेट। ये टैंक है जिसमें आरओ पानी जमा होता है। ये पूरा 1000 कैपेसिटी वाला पानी है, 1000 पर आवर देने वाला कैपेसिटी है इसका, 1000 पर लीटर प्रोडक्शन है। और इसमें 3600 पाउच पर आवर का प्रोडक्शन है। 5 किलोवाट का कनेक्शन लिए हैं, 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। ये फर्स्ट शॉप है जिसमें कि पूरा का पूरा सेटअप हो गया है। इसका साइज अगर हम बात करें तो 18 और 13 चौड़ाई है इसका, और 18 फीट लंबाई है। 13x18 साइज का है, और इसमें पूरा सेटअप हो गया है टैंक के साथ। और अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बहुत सारा स्पेस अभी बचा भी है। 1000 लीटर का कैपेसिटी वाला आरओ प्लांट लगा है, इसी के साथ कनेक्शन दिया हुआ है पाउच मेकिंग, और इधर टैंक, और जगह इतना सारा बचा हुआ है। और ये है मेरा टोटो जिसपे माल रेडी होकर जाता है। और इधर ये पत्ता वाला मेकिंग, पत्ता बनता है इसमें बेसिकली, पत्ता और कटोरी। और ये है चाय का कप वाला मशीन जिसमें चाय का कप बनता है। अभी इधर लाइट बंद करके रखे हैं, चालू करके आपको दिखाते हैं। और ये है पूरा, ये एक्चुअली अभी इस पे रखा हुआ है, इस तरह का कप जो बनता है इसका है। तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो रहा था वीडियो में। एक्चुअली फॉर्म पे हम जा नहीं पा रहे थे, और जब तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्ड करने वाला कोई था नहीं। अगर आप लोग पुराना मेरा वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा कि सारा काम हम खुद ही करते हैं, किसी को रखे नहीं है वीडियो वगैरह सब एडिट या किसी और चीज़ के लिए। एक ही मोबाइल है, एक ही मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, उसी से एडिट करते हैं, उसी से अपलोड करते हैं। तो फॉर्म पे जा नहीं पाए इसी काम को सेटअप करवाने के लिए। और ये पूरा जो जगह है, ये मेरा एक्चुअली घर नहीं है, घर से थोड़ा सा हट के मेन रोड पे मार्केट में ज़मीन है जहाँ पे बना हुआ है। ये समझ लो ये प्लांट के काम के लिए ही बना है, घर कहीं और है। और जहाँ मेरा फॉर्म है वहाँ मेरा नानी घर है, और ये घर और नानी घर के बीच में मार्केट में प्लांट है। तो इसलिए यहाँ पानी का पहले से सेटअप किया हुआ था, बोरिंग वोरिंग, तो हम इसी वजह से इसमें भी इन्वेस्ट कर दिए। और इसी का सेटअप के वजह से फॉर्म पे नहीं जा पा रहे थे, जिसके कारण से वीडियो अभी तक नहीं बना पा रहे थे। तो अब काम मेरा चालू हो गया है, माल मेरा गाड़ी से जो है वो ड्राइवर जो है वो डिलीवर करने लगा है। तो अब जो है मेरे पास टाइम बचेगा कि हम फॉर्म पे जाके वीडियो बना सके, और अपना फॉर्म भी विजिट करें, और साथ ही साथ आपको जो अदर फॉर्म में का भी जानकारी देते हैं वो भी हम टाइम निकाल के कर सकते हैं। बस यही होगा कि पहले के तरह रेगुलर वीडियो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना भी लेट नहीं करेंगे कि आप बोर हो जाओ, या फिर आप जानकारी का वीडियो आपको अब तक ना पहुँचे। तो ये सिर्फ वापस से इंट्रो वीडियो समझ लीजिए एक तरह से। इसका उद्घाटन लगभग 15-20 दिन पहले हुआ, और उसका वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि पूरा का पूरा काम मेरे ही सर पे था, पंडित जी से लेकर के हर तरह का चीज़ समझ लो एक तरह से। तो हम खुद पूजा पे बैठे थे, तो वीडियो कौन बनाता, और कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं। आपको पता है कि जो करना है खुद करना है, दूसरे के दम पे पहलवानी करने से कुछ नहीं होता है। जो हम लोग के मेरे एरिया के हो गए वो ये कहावत समझ गए होंगे। तो सिंपल सा बात है, अब वीडियो आएगा, और आरओ प्लांट से भी रिलेटेड वीडियो हम डालेंगे। इसमें भी जैसे आरओ रोज चलाते हो, जब ऑन करते हो तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए जिससे कि मेम्ब्रेन का लाइफ बढ़े, पाउच मेकिंग का क्या है इस एरिया में सेल। और मेरे एरिया में एक्चुअली ये प्योर नया बिजनेस है पाउच मेकिंग। पहले 3-4 साल पहले कोई और ट्राई किया था,
फेल होने के वजह से उसका प्लांट बैठ गया और वो मशीन सेकंड हैंड रेट में बेच दिया कहीं और झारखंड में उधर। तो अब वापस से हम हिम्मत करके कोशिश करके वापस इस एरिया के लिए पहला समझ लो एक तरह से पाउच वाला प्लांट डाले हैं, और मेरा 20 लीटर वाला भी जाता है जार और पाउच वाला भी शुरू किए हैं। और अभी समझ लो एक्यूरेट एकदम नया मार्केट इसके लिए बनाना बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा पर डेली अपडेट हम देंगे कैसे क्या करना है क्या कर रहे हैं। तो और हाँ सिंपल सा बात कि अब मेरा ये जो फॉरेस्ट फार्मिंग चैनल है सिर्फ फॉरेस्ट मतलब फार्मिंग के ऊपर तो रहेगा वीडियो कंपलसरी, उसके बारे में तो जानकारी देंगे ही देंगे, साथ में ये जो हम जो जो काम करते हैं सिंपल सा बात धीरे धीरे कैसे क्या क्या करके आगे कर रहे हैं उस सारा चीज अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो स्टे ट्यून, जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।